The ex-servicemen who are protesting over the implementation of one rank one pension at Jantar Mantar have intensified their agitation after Prime Minister Modi made no definite announcement from Red Fort. जो आज प्रधानमंत्री जी ने वन रैंक वन पेंशन के बारे में बोला, ये सारी चीज 17 महीने पहले बोली गई थी। इसकी सैंक्शन 17 महीने पहले आ गई थी, इसको इंप्लीमेंट करना था, लेकिन इंप्लीमेंट करने की कोई बातचीत नहीं करी। ना तो वो डेफिनेशन के बारे में बताया और ना ही डेट बताई कि उसको कब उसको लागू करेंगे। हम इस भाषण को जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंडिपेंडेंस डे से दिया है, उसको हम सब फौजी परिवार रिजेक्ट करते हैं। हम रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्शन के बाद हमने ये डिसीशन लिया है कि हम अपनी एजुकेशन को जो 62 दिन से चल रही है, हम और तेज करेंगे और सख्त करेंगे। भाई ये कार्रवाई कल सुबह से शुरू हो जाएगा। इसके अंदर कुछ कार्य किए जाएंगे, मोटे मोटे तौर पर हम वो सब अभी आपको बताते हैं। इसके साथ एक्चुअल एक्शन जो है, जो उधर के लोकल हमारे एक्स सर्विसमैन लीडर्स हैं, वो फैसला करके प्लान बनाकर स्कीम के मुताबिक उसको कार्रवाई करेंगे। सिर्फ हमारा एक हम कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो अनुशासन में रहकर पूरा पीसफुल और जो इंडियन पीनल कोड के और संविधान के अंदर हमको जो भी मिले हुए हैं हक, उन सबको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एजुकेशन को और सख्त और तेज करेंगे। जो भी गवर्नमेंट के कोई भी फंक्शन है, इंक्लूडिंग मिलिट्री फंक्शन, जो कि 15 अगस्त और 65 की लड़ाई के बारे में उन्होंने सोचा हुआ है मनाने के लिए, हम उन सभी को बॉयकॉट करें। करेस्पॉन्डेंट रोशन फ्रॉम न्यू दिल्ली फॉर ANI।